हम बहुत हम तक आ गए जान लग गए अपने भाई को। पहले तो इसने बोला नहीं कि मैं ले रही हूँ, जब इसने ले नहीं लिया आप उसके बाद अपने भाई को फोन करके तेरे को ऐसा चाहिए था ना, लेने वाली होती तो ये पहले ही लेती। ये लोग बैठे हैं, ये लोग यहाँ पर बैठ रखे हैं गाइस, ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, पता नहीं क्यों बैठे हैं ये लोग। हम तो वहाँ पर खा पी के आए यार, हमसे ये बहुत आराम था, इन्होंने हमने 20 रुपए की पानी की बोतल ली ली और यहाँ पर आके बैठ गए ये। गाइस अब यहाँ पर उनके की वार्तालाप कर रहे हैं, तो यहाँ पर से आ रहा ठंड ठंडा पानी और यहाँ पे हम अपने पैरों को थोड़ा सा आराम देते हुए, ये देखो कितना मज़ा आ रहा है इसमें, ये पानी जा रहा है। तो गाइस अब हम बस थोड़ा सा ही पहुँचे हैं, फिर गाड़ियों के पास पहुँच जाएंगे। अरे मम्मी कहाँ गए थे यार, वो उधर गए होंगे, क्यों उधर कहाँ इधर थे, वो उस साइड चोटी में पहुँचे थे गाइस, अभी हम बहुत दूर गए थे। और ये देखो यहाँ पे ये गधे, तीन गधे तो हमारे आगे चल रहे हैं, मैं तो कह रही थी ये बोझा इन्हीं गधों के सर में रख के ढोना था ये पर इन बेचारों के ऊपर ऐसे रखा जा रहा है, पहाड़ तक जाएगा। कहाँ उस चोटी में गए थे हम शायद से, ना शायद से गाइस हम उस वाली चोटी में गए थे, अब यहाँ पहुँच गए हालत। और अभी उतना कुछ नहीं लग रहा है, ये रहे गधे, एक दो तीन चार पाँच ही हैं, तीन गधे हमारे आगे आगे चल रहे हैं। एक से एक पोज दिए जा रहे हैं, यहाँ पे लोग पोज दे रहा है, फोटो खींचा, पर हमारी फोटो कौन खींच देता, कोई ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये भात लाने के लिए बैठ गई है। ये सोचिए कोई भात लाएगा मैं खा लूँगी और ऐसे फेंक रहे, एक बन तो मेरा कराना, मैं इनको पकड़ूँ यहाँ पर से एक बार नीचे को फेंकूँ, तैर के वो उस पार निकल जाएंगे। और इतनी बड़ी नदी जा रही है, ऐसा तो आज बहुत टाइम बाद मैंने पहाड़ देखा कि हाँ जाएंगे, पहाड़ ऐसा होता, पर पहाड़ ऐसा भी नहीं होता, बोला जैसा ही होता है, जंगल ही जंगल है। देखो ऐसे पगली रखे हैं ये लोग, यहाँ पर अभी वीडियो आने लग गई है, हम उसने की फोटो खिंचा रही है थोड़ी देर में, फोटोग्राफर मुझे लगता है कि वो आए नदी के पार ही पहुँच जाने वाला है ये। अरे देखो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, पर ये लोग बेचारे ना यहाँ को फोटो नहीं खींचा, जैसे कह रहे हम एकदम जंगल में चले जाएंगे फोटो खींचने के लिए, करके इनको चाहिए बैक साइड पहाड़ का व्यू, ये देखो इसको पतला बनाओ भाई, इसको पतला बनाओ गाइस, हाँ चल ऐसे खींच खींच ऐसी बोझ खींच 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 चल, देख देख ये ब्लॉग बना रहे हैं, ये देखो पोज, फोटोग्राफर को देखो तू तो खाला क्यों आया ये फोटोग्राफर आहा जोड़ी खड़ी हो गई, अब गाइस खड़ी हो गई, ये देखो ये मेरी क्या खींच रही है। अभी गाइस जो है बज गए हैं शाम के 4:30 यानी 5 बजने को है, तो वैसे टाइम से हम लोग घर पहुंच गए थे। मौसम भी देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम तो बहुत दिनों से बन रहा है बट बारिश हो नहीं रही है, पर बारिश हम लोगों को अभी क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि धान जो हैं उनके फूल लग गए हैं और किसी किसी में बाले आ गए हैं, और कोई कोई से धान वैसे ही रह गए हैं, अगर बारिश नहीं आएगी तो धान ऐसे ही सूख जाएंगे। और मौसम की बात की जाए तो 2-3 दिनों से हो ही रहा कि बारिश अब आएगी, कि बस बारिश आने से रही, अभी भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, पता नहीं बारिश होती है कि नहीं हो तो भगवान ही जाने। तो घर पर आते ही सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करने के बाद करा जानवरों का काम, हेलो गाइस जानवरों का काम किया, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया था, मैं जब बारिश आ जाएगी तो फिर जानवर काम हो नहीं पाएगा, तो भैया और बहू मेरे को छोड़ने के लिए आए थे, फिर मैंने फ्लावर इनको बांधा, गोबर निकाला, आम लोगों को पानी आनी दिया इन लोगों को, फिर उसके मैंने एक बात कहा भैया से, भैया आ जा मेरा घास डाल दे, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो घास पूरा भीग जाएगा, इस वजह से उसने घास डाल दिया। तो अभी लगभग सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, काम क्या करते ना फटाफट करते जाते, उसके बाद फिर आराम से बैठ गया। तो गाइस वैसे पूर्णागिरी जाने का कोई ऐसा प्लान तो मेरा था नहीं बना हुआ, हाँ कह रहे थे कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर कब जाएंगे ये पता नहीं था। पर कल शाम को जब प्रीति का फ़ोन आया था तो वो कह रही थी मुझसे, नहीं एक स्कूटी में 3 जने नहीं जा रहे हैं, चालान वगैरह कट जाएगा, चाहिए तो किसी से कहो आपके साथ आ जाएगा, पर ऐसा कोई था नहीं कि मैं किसी को साथ लेके जाती, मामा के लड़के से का वो भी थोड़ा बिजी था। तो फिर अचानक से प्लान बना, सवेरे तो मैं फिर भी सोच गई थी कि हाँ चले ही जाऊँगी, चले जाऊँगी क्या पता चले जाऊँगी, मैंने उम्मीद ही उम्मीद में
सवेरे मॉर्निंग में 6:30-7 बजे तक घर का टोटल काम ख़त्म कर रहा था, मतलब खाना पीना घास हास काटना टोटल काम मेरा ख़त्म हो गया था। तो रास्ते में से प्रीति का फ़ोन आया कि हाँ चलो चल रहे हैं करके आ जाओ करके, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा जा मैं भी जा रही हूँ। कितने साल हो गए, 9th क्लास में पढ़ती थी तब हम लोग स्कूल से गए हुए थे फोनागिरी, तब से लेकर आज तक मैं वहाँ नहीं गई थी। बहुत दिनों से सोच रही थी क्या पता जाऊँ 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 करके, पर होता है ना जब बुलावा आता है तभी इंसान जा पाता है। तो शायद से माता रानी ने मुझे बुलाया और मैं इस बार चली गई। 14-15 साल हो गए, 14-15 साल बाद में गई। तो वैसे कोई रीज़न नहीं था, भैया और बहू ने शादी से पहले मन्नत मांगी थी अगर उन लोगों की शादी हो जाएगी तो वो फिर आएंगे, तो शादी के बाद गए वो लोग, मन्नत पूरी हो गई करके। तो मैं भी आज मन्नत मांग के लाई हूँ, शायद से मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो अगले साल या 1-2 साल बाद फिर मैं भी जाऊँगी। यही प्रे करती हूँ कि मेरी मन्नत भी पूरी हो जाए, बहुत दिल से मांग के लाई हूँ, बहुत दिल से। तो गाइस अब कर लेते हैं हम भी घर का हल्का फुल्का काम। पहले बनाती हूँ अम्मा के लिए चाय, क्योंकि अम्मा ने आज मॉर्निंग में खाया था, उसके बाद अम्मा भूखी है। और लाई हमारा चंगू मंगू भी भूखा भूखा है ना। मम्मा इसके लिए क्या लाई? लाई है। कौन लाया ये? ये मामा लाए, तुम लाए। हाँ कुछ भी हो ना, चाहे मैं ही लेके ना लेगा, मामा साथ में है तो समझो बच्चों का वो मामा ही लेके आया है। अभी उसने क्या करा, आते ही पहना दे कि हाँ मैं तेरे लेके आया हूँ, कितना कुछ कह रहा नहीं मामा ले गए, आप नहीं लेकर आए हो। तो गाइस अब इसके साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को, यहीं पे एंड मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सोच रही हूँ कि ब्लॉग अब कंटिन्यू बनाओ बनाओ करके, तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर से ब्लॉग कंटिन्यू कर दूँगी। तो इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय गाइस, बाय गाइस।